अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने उर्दू कायदा स्टार्ट किया हुआ है, उर्दू कायदा है पीजी का, इसको उर्दू कायदा बोलते हैं, किंगडम उर्दू है लेकिन इसको उर्दू कायदा कहा जाता है। उर्दू कायदे का नेक्स्ट पेज जो है, हमने लास्ट वीडियो में पेज नंबर 2 किया था, अब हमने पेज नंबर 3 स्टार्ट किया है। पेज नंबर 3 में स्कूल की एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि जब बच्चे पहले दिन स्कूल जाते हैं तो उनके साथ किस तरह पेश आना चाहिए, यानी इस पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि बच्चों को स्कूल में जब बच्चे पहले दिन आए तो टीचर जो है वो उन्हें बच्चों को खुश आमदीद कहे, यानी वेलकम बोले, उनको उनका वेलकम करे, वार्मली वेलकम हो। और जब वो क्लास में जाने लगे या क्लास में जब टीचर एंटर हो तो क्लास में बच्चों के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए और उनको खुद के साथ इंट्रोड्यूस करवाए, यानी अपना तारुफ करवाए और उनका तारुफ लें। जैसे कि आप उनसे उनका नाम पूछें, वो कितने बहन भाई हैं, उनके बाबा का नाम क्या है, मामा का नाम क्या है। बच्चों से बातचीत करें ताकि बच्चे आपसे मनूस हों, उनकी झिझक भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों की पसंद और नापसंद के हवाले से भी मुख्तलिफ सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपको कलर कौन सा पसंद है, रंग कौन सा पसंद है, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, आपको आउटिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, क्या करना, यानी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के बारे में आप बच्चों से सवाल कर सकते हैं कि आपको क्या क्या एक्टिविटी करना पसंद है, कार्टून देखना या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। स्कूल में उन्हें आप मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाएं, अपने प्लेग्राउंड में, कार्टून एरिया में, जो भी स्कूल की चीज़ें हैं वहाँ पर लेकर जाएं बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल से मनूस हों और बच्चे शौक से स्कूल आएँ। अल्लाह हाफिज़।